हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटरवेज़। देखिए, हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे। पहले हमने रेलवेज़ के बारे में पढ़ा, फिर हमने रोडवेज़ के बारे में पढ़ा, फिर हमने एयरवेज़ के बारे में पढ़ा। तो आज हम सोलली डिस्कस करेंगे वाटरवेज़, मतलब जो वाटर है इसके थ्रू हम सामान कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम पहले हल्का सा पढ़ेंगे कि लॉन्गेस्ट वाटरवे कौन सा है, शॉर्टेस्ट वाटरवे कौन सा है, फिर जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मतलब जो इन सबको मैनेज करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पोर्ट्स पढ़ेंगे कि वेस्टर्न कोस्ट है उस पर कौन कौन से पोर्ट्स हैं जो फेमस हैं, और ईस्टर्न कोस्ट पर कौन कौन से पोर्ट्स हैं। इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप अपना पेपर पेन निकाल लीजिए, नोट्स साथ साथ में मेंटेन करते रहिए, बिकॉज इस तरह के टॉपिक्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना, आपको बुक्स में इनके बारे में ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन इनमें से बन जाता है। मैं आपको ये भी बताती रहूँगी कौन सा पार्ट इसमें से इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। वाटरवेज मतलब क्या? चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटरवेज क्या होता है कि शिप्स के थ्रू आप सामान इधर से उधर लेकर जा रहे हो, किसी छोटी सी नाव में सामान इधर से उधर लेकर जा रहे हो, क्रूज में सामान जा रहा है, इस तरह से कुछ भी, ठीक है, जिसमें आपका वाटर इंक्लूडेड है। तो देखिए, ये सबसे सस्ता और सबसे पुराना मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता इसमें। डज नॉट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक। अब ऐसा तो है नहीं जैसे सड़कें होती हैं, सड़क चाहिए कार को चलने के लिए या रेलवे ट्रैक चाहिए रेल को चलने के लिए, ऐसा तो नहीं है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, कोई ट्रैक कोई रास्ता नहीं बनाना पड़ेगा, वाटरवे है। अगर आपको ए से बी में जाना है तो आप चाहे घूम के जाइए चाहे सीधे जाइए, पहुँचने आप ए से बी तक ही हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इसमें कोई ट्रैक बनाने का खर्चा नहीं है। ठीक है, सुटेबल फॉर कैरिंग बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। बहुत दूर दूर तक भारी सामान उठाने में ही कैपेबल है, सुटेबल है ये मीडियम, राइट। अब हम पढ़ेंगे मेजर वाटरवेज ऑफ इंडिया, इंडिया के मेजर वाटरवेज कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसमें बहुत सारे आते हैं। ये नेशनल वाटरवे है, इसका मतलब NW1 मतलब नेशनल वाटरवे 1, NW69 मतलब नेशनल वाटरवे 69। ठीक है, अब देखिए, नेशनल वाटरवेज बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है लॉन्गेस्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट कौन सा है, कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे है, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉन्गेस्ट वाटरवे कौन सा है, नेशनल वाटरवे नंबर 1, जो कि अलाहाबाद से हल्दिया तक चलता है। 1600 या 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ है और गंगा नदी पर बना हुआ है। शॉर्टेस्ट कौन सा है, नेशनल वाटरवे नंबर 69, सबसे छोटा है, तमिलनाडु में बना हुआ है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है और मनिमुथारू रिवर पर है। ठीक है, तो इन दोनों में से क्वेश्चन यहाँ से, इसमें से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आजकल अब इजी क्वेश्चंस आने बंद हो गए हैं। अब क्वेश्चंस वो ऐसे ही टॉपिक से डालते हैं जिनके बारे में ज़्यादा बुक्स में दिया है नहीं, ताकि बच्चे कुछ पढ़ के आएँ, कुछ नंबर वंबर कटे, क्योंकि अब देखिए कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है, बच्चे सब कुछ पढ़ के ही जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन अब ऐसे टॉपिक से आते हैं जिनका ज़्यादा पहले इन्फ्लुएंस नहीं था एग्जामिनेशन में। सो नेक्स्ट आता है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI। ठीक है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे बना ये एक्ट, पास किया गया था IWAI 1985 एक्ट, उसके अंडर बना था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैंने आपको बताया बॉडीज़ 3 तरह की होती हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो संविधान में लिखा हुआ है कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जाता है, क्योंकि लगता है कि इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है, उसके थ्रू जो बॉडी बनती है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ये बनी थी 1986 में। हेडक्वार्टर की बात करें, इसमें से क्वेश्चन आता है, नोएडा में है। कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट पढ़ते हो, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, हमेशा मैं कहती हूँ ये पढ़ना, क्योंकि आजकल क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर, राइट। तो ये हमारा था फर्स्ट पेज, ये हो गया कम्प्लीट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में, ठीक है। सो जो हमारी वाटरवेज अथॉरिटी थी, जो हमने पढ़ा इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट हैज़ डिवाइडेड इंडियन पोर्ट्स इनटू 3 कैटेगरीज। इसने क्या किया है, जो इंडियन पोर्ट्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं? मेजर पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स में आ जाते हैं 13, माइनर में आ जाते हैं 190 और इंटरमीडिएट जो भी बाकी बच गए, ठीक है। तो अब जो मेजर पोर्ट्स हैं, हम सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, ये जो 13 है ना, सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, बाकियों के बारे में नहीं पढ़ते हैं। आज की वीडियो में भी हम सिर्फ इन 13 पोर्ट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अब जो ये फर्स्ट पोर्ट है, इसको हैंडल करती है शिपिंग मिनिस्ट्री, और जो ये बाकी 2 पोर्ट हैं, मतलब माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट, इन दोनों को हैंडल करती है स्टेट गवर्नमेंट। जिस भी स्टेट में पोर्ट है वहाँ की सरकार ही देखेगी सारा काम, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स
या फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर, जैसे इनमें से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, मुंबई में है, इसको मेंटेन करने के लिए एक ट्रस्ट बनाई गई है, ठीक है, जिसे नाम दे दिया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JLNPT। इसको बेस्ट ग्लोबल पोर्ट ट्रस्ट का जो एक अवार्ड मिला है इन इंडिया, ठीक है, यहाँ पे आएगा बेस्ट ग्लोबल पोर्ट ट्रस्ट इन इंडिया या पोर्ट इन इंडिया रख लीजिएगा। सो थर्ड टाइम इन अ रो इन द अटल शास्त्रा मार्केनॉमी अवार्ड 2020, तीसरी बार इनको लगातार मिला है, तीसरी बार मिल गया इस साल, ठीक है। हाँ, यस, वन मोर थिंग, कौन से अवार्ड में, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, वहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड होता है, ठीक है, वैसे ही अटल शास्त्रा मार्केनॉमी अवार्ड में थर्ड टाइम इनको बेस्ट ग्लोबल पोर्ट इन इंडिया का अवार्ड मिल चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ सिक्स न्यू मेगा पोर्ट्स। अब छः और मेगा पोर्ट्स जो हैं वो खोले जा रहे हैं अंडर वॉट, अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं है इनमें, देखिए याद करने वाला, एक बार इसे पढ़ लेंगे ना फिर आपको याद रहेगा, अगर पढ़ा ही नहीं होगा तब आप क्या ही तुक्का मारेंगे बुक एग्ज़ाम में, है ना। फिर आता है पोर्ट्स। अब पोर्ट्स भी दो तरह के हैं, एक है ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट। इसका मतलब क्या है कि ईस्टर्न कोस्ट के, यानी जो हमारा पूर्वी तट है वहाँ पे जो जो पोर्ट है उन्हें नाम दे दिया ईस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न घाट है हमारा उसके तट पे जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, उसे नाम दे दिया वेस्टर्न कोस्ट, बस इतना सा है। तो अब हमें इनके बारे में पढ़ना है बारी बारी, पहले ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, इस तरह से, ठीक है। तो एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, आपको फिर से कह रही हूँ, अपना पेपर पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आप लोग बहुत आलस करते हैं। मैं हमेशा पूछती हूँ कि किस किस ने नोट्स बनाए, तो कॉमेंट्स में कभी भी नहीं आता, सिर्फ एक दो लोग हैं जो नोट्स बनाते हैं। देखिए नोट्स का सिग्निफिकेंस कितना ज़्यादा है मैं अपनी लाइफ में समझ चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इसमें, बिना नोट्स के ही मैं पढ़ती थी, बट जब एक बार नोट्स बन जाते हैं ना तो आपका बहुत माइंड क्लियर हो जाता है कि पढ़ना क्या है, पेपर में आना क्या है, लास्ट डे क्वेश्चन पेपर्स देख लिए, बहुत हेल्प करते हैं नोट्स, बिलीव मी। तो नोट्स ज़रूर बनाएं, राइट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, मतलब जो ईस्टर्न कोस्ट है, जिसे आपको मैं बताती हूँ, ईस्टर्न कोस्ट इस तरह से बनता है हमारा, इस तरह से आप समझ जाइए, जो ये वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये हो गया आपका ईस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पे जो जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, तो यहाँ पे पहले हल्का सा ईस्टर्न कोस्ट के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो जब थी वहाँ पे मैंने ईस्टर्न कोस्ट के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया था, है ना, जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज़ थी 4-5, उनमें काफ़ी अच्छे से इस बारे में बता दिया है, जब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन करते हैं इंडिया का उसके डिवीजन में। बट फिलहाल हम हल्का सा एक ओवरव्यू लेंगे ताकि हमारा बेसिक स्टार्ट हो जाए, फिर हम आगे पोर्ट्स की तरफ चलेंगे। सो ईस्टर्न कोस्ट कहाँ पे, देखिए यहाँ पे ज़रा इस जैसे साइड, ये वाला जो है आपका ईस्टर्न कोस्ट, ये वाला, ठीक है। तो लोकेटेड अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, उस साइड ये लोकेटेड है। वाइडर कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा चौड़ा है। एक्सटेंड्स फ्रॉम गंगा टू कन्याकुमारी रीजन, जो गंगा नदी है उसके साउदर्न पार्ट से चलता है कन्याकुमारी रीजन तक, ठीक है। कट्स थ्री इंडियन स्टेट्स, यहाँ पे तीन इंडियन स्टेट्स जो है मेनली यहाँ पे आती है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर प्रेजेंट हियर, यहाँ पे जो देखिए ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, हमने बोला था कि वो डेल्टाज बनाती हैं, तो यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाज बनते हैं। डेल्टाज जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया था कि डेल्टाज क्या होते हैं, एस्टुरीज क्या होते हैं डायग्राम्स के थ्रू। नहीं देखा है तो फिजियोग्राफिक डिवीजन वाले पार्ट में जाइए, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो डेल्टाज बहुत ज़्यादा फर्टाइल पार्ट होते हैं, सुटेबल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज, यहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन होगी क्योंकि फर्टाइल हैं। एंड डेल्टाज ऑफ कृष्णा रिवर, सॉरी, जो डेल्टा है कृष्णा रिवर का, इसे ग्रीनरी ऑफ साउथर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक ओवरव्यू सा हो गया, ठीक है, आपको याद आ गया होगा हमने क्या क्या पढ़ा था ईस्टर्न कोस्ट के बारे में। अब चलिए चलते हैं वहाँ के पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेन्नई पोर्ट के बारे में। चेन्नई तो आपको फिर चल ही रहा होगा पता, चेन्नई कहाँ पे होगा, तमिलनाडु में है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड मद्रास पोर्ट, ये मद्रास पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है इंडिया का, तो लार्जेस्ट कौन सा है, जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको पता चलता जाएगा। ऑपरेशन यानी इनकी वर्किंग कब स्टार्ट हुई है, 1881 1881 में स्टार्ट हुई थी। थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया का, सबसे पुराने नंबर पे तीसरा पोर्ट है ये, ठीक है। तो सेकंड ओल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट कौन सा है वो भी हम जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको पता लगता रहेगा। इट लाइज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, जो कोरोमंडल कोस्ट है वहाँ पे ये लाई करता है। एंड तमिलनाडुज मेन पोर्ट, जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ का मेन पोर्ट है चेन्नई पोर्ट, राइट। नेक्स्ट आता है टुटीकोरिन पोर्ट, टुटीकोरिन जो है तमिलनाडु में है।
कनेक्टेड बाय रेलवेज एंड रोड्स। इस पोर्ट के आसपास से रेलवेज भी निकलती है, रोड भी है, मेनली ट्रेड्स विद श्रीलंका। ये मेनली श्रीलंका के साथ ही ट्रेड करता है ये पोर्ट। इसको पर्ल सिटी भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्ल सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके तट पर आपको काफ़ी ज़्यादा पर्ल्स मिलेंगे और यहाँ पर पर्ल फिशरी की जाती है, मतलब जो फिशिंग की जाती है, मछलियों को पकड़ा जाता है। लेकिन उन मछलियों को क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि उनके जो पर्ल ऑलिस्टर है, सीप जो होती है, वो निकाली जाती है। ठीक है, डायरेक्ट वीकली कंटेनर सर्विस टू यूएसए। यूएसए को बड़े बड़े कंटेनर भेजते हैं वीकली डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए दो पोर्ट्स जो ईस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और आगे के पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो है हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, 1933 या 1933 में बना था। लॉर्ड विलिंगडन इनॉगरेटेड इट। जो लॉर्ड विलिंगडन थे उन्होंने इसको इनॉगरेट किया था। सर्व्स द भिलाई एंड रौरकेला स्टील प्लांट। इस तरह के क्वेश्चन सब आते हैं। अब ये नहीं आता कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में। क्वेश्चन आया कि भिलाई और रौरकेला स्टील प्लांट में जो भी सर्विसेज दी जाती है, कौन से पोर्ट के द्वारा वहाँ पे सामान भेजा जाता है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका आंसर होगा विशाखापट्टनम पोर्ट। राइट, तो इस तरह के पॉइंट्स को आपने अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ है? उड़ीसा में है। मेजर डीप वाटर सी पोर्ट है, मतलब जो वाटर है काफ़ी डेप्थ है वाटर की यहाँ पे। अब इसी डीप वाटर की वजह से अलाउज इट टू हैंडल हैवी एंड बल्क कंटेनर्स। बहुत भारी और हैवी कंटेनर्स यहाँ पे तैर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको भेजा जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। मेनली डील्स विद द ट्रेड ऑफ कोल एंड आयरन ओर्स। कोयला और जो आयरन ओर्स हैं उनकी ट्रेडिंग में ही ज़्यादा ये इन्वॉल्व है। हैज़ इट्स ओन रेलवे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यहाँ पे इतना सामान आता है क्योंकि इनकी अपनी रेलवे सिस्टम है, ताकि वो पहुँचता है तट पे सामान, उसको इधर उधर जा सके, या फिर कहीं भेजना है सामान तो रेलवे के थ्रू वहाँ पे बंदरगाह तक आ सके। ठीक है, पारादीप पोर्ट भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कोलकाता पोर्ट। अब देखिए, कोलकाता पोर्ट आपको नाम से ही लग रहा होगा कहाँ पे है। ठीक है, कोलकाता पोर्ट है तो ऑब्वियसली कोलकाता में होगा। ठीक है, ऑन दी बैंक ऑफ रिवर हुगली। जो हुगली नदी है उसके तट पर बसा है हमारा कोलकाता पोर्ट। ठीक है, ये है ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। जो हमारा भारत है वहाँ का सबसे पुराना पोर्ट है। अभी हमने पढ़ा था कि थर्ड ओल्डेस्ट कौन सा है। ठीक है, कोचीन हमने पढ़ा था। सो कोलकाता है हमारा सबसे पुराना पोर्ट इंडिया का। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। कंस्ट्रक्टेड बाय EIC, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। इट मेनली ट्रेड्स विद ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये मेनली ट्रेड करता है ऑस्ट्रेलिया के साथ या फिर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ। ठीक है, इसे गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है, इसको, कोलकाता पोर्ट को। एक चीज़ और देखिए, नेक्स्ट वीडियोस में, कुछ वीडियोस के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें निक नेम्स जो होते हैं ना सारे शहरों के, जैसे सिलिकन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, पिंक सिटी किसे कहते हैं, इस तरह की एक वीडियो अपलोड करूँगी। वहाँ से भी अब क्वेश्चंस बन रहे हैं। इस तरह के टॉपिक हम पहले पढ़ते नहीं थे। पढ़ते थे तो जो बुक में 20-25 दिए हैं वो पढ़ ली, लेकिन उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा गूगल भी किया है मैंने और अपनी बुक से लिखी है। मेरे पास 2-3 बुक्स हैं, सबसे लिख के सारा कोशिश ये कि सारे जो निक नेम्स हैं फेमस वो इसमें इंक्लूड हो सकें। ठीक है, तो आप उन्हें उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखेंगे। फाइन, तो इसे गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मेन सेंटर है फॉर द ट्रेड ऑफ जूट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जूट की ट्रेडिंग के लिए मेन सेंटर कौन सा है, हमारा कोलकाता पोर्ट है। ओनली पोर्ट हैविंग टू डॉक सिस्टम। इकलौता ऐसा पोर्ट है जहाँ पे दो बंदरगाह वाला सिस्टम है, एक कोलकाता डॉक है, एक हल्दिया डॉक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्नौर पोर्ट। इन्नौर पोर्ट फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट इन इंडिया। कॉरपोरेट सेक्टर का पहला पोर्ट, मतलब इकलौता ऐसा पोर्ट है जिसका कोई प्राइवेट ओनर है, मतलब प्राइवेट पोर्ट है, ये सरकार के अंडर नहीं आता ये। ठीक है, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ कोल, यहाँ से कोयले का ही एक्सपोर्ट किया जाता है। रेलवे प्लस रोड लिंक्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेलवे भी है रोड लिंक भी है जिससे सामान को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। कोरोमंडल कोस्ट पर स्थित है और इन्नौर पोर्ट तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, ये वाले जो ईस्टर्न कोस्ट पे पोर्ट्स थे ये हो गए कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे जो वेस्टर्न कोस्ट पे आते हैं पोर्ट्स। राइट, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है पोर्ट्स ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट। तो देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेपर पेन साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना ही करना है, तो आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, या फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए कि बुक से पढ़ लेते हैं या यूट्यूब वगैरह से काम चला लेते हैं। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे पोर्ट्स ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट। देखिए, ये हमारा इंडिया है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे इस वाले एरिया में ये अरेबियन सी है, तो इस तट पे जो पोर्ट्स आएंगे, ठीक है, वो वेस्टर्न कोस्ट स्थित पोर्ट्स हो गए। राइट, थोड़ा सा वेस्टर्न कोस्ट के बारे में देख लेते हैं। लोकेटेड अलॉन्ग दी अरेबियन सी, अरेबियन सी के अलॉन्ग लोकेटेड है, नैरोर कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट के कंपेरिजन में ये नैरो है और जो
ईस्टर्न कोस्ट है वो वाइडर है, अभी हमने पढ़ा, राइट। अब हम डायरेक्ट इसके पोर्ट्स की तरफ चलेंगे कि कौन कौन से पोर्ट्स हैं फेमस, ठीक है, और क्या क्या उनके बारे में इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं वो सब पढ़ेंगे। पहला आता है कांडला पोर्ट, इसको कांडला क्रीक भी कहते हैं, या फिर कई बुक्स में ऐसा दिया है कि कांडला पोर्ट जिस जगह पे है उसे कांडला क्रीक कहते हैं, तो दो तीन जगह अलग अलग दिया, आप देख लीजिएगा। कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित है, बिजिएस्ट एंड रिचेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे ज़्यादा बिजी और सबसे ज़्यादा रिच पोर्ट है, कौन सा, कांडला पोर्ट। फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग पोर्ट ऑफ इंडिया, ये पहला ऐसा पोर्ट था जहाँ से एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ था। एक्सपोर्ट मतलब कि एक देश से दूसरे देश में जब सामान बाहर भेजा जाता है तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब किसी देश में अपने अंदर सामान आता है, किसी दूसरे देश से हम सामान खरीदते हैं, तो उसे हम इम्पोर्ट कहते हैं। करंटली हाइएस्ट प्रॉफिटेबल पोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिस पोर्ट से होता है आज के डेट में, वो है कांडला पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मुंबई पोर्ट, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का बहुत सबसे बड़ा पोर्ट है ये, लार्जेस्ट पोर्ट है, हैंडल्स 1/5 ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, फॉरेन या बाहर के देशों के साथ जो भी ट्रेडिंग होती है उसका 1/5 पार्ट यहीं से ट्रेड होता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड फ्रंट पे और द गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए प्रीवियस पेज में हमने क्या पढ़ा था, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया किसे कहते हैं, कोलकाता पोर्ट को, अब हम पढ़ रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, मुंबई पोर्ट को। एक बार फिर से बता रही हूँ, निक नेम्स की वीडियो लेकर आऊँगी, उस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि वो एक या दो बुक्स हैं, नहीं जितने पॉसिबल निक नेम्स हो सकते हैं वो सब मैंने उसमें इनकॉर्पोरेट करने और फिर वीडियो बनानी, ठीक है। तो मुंबई पोर्ट हो गया फ्रंट बे, और गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट आता है JLN पोर्ट, अब आप सोच रहे हैं JLN पोर्ट मतलब क्या, देखिए आपको पता ही, मैं काफ़ी शॉर्ट्स में लिखने की कोशिश करती हूँ। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है, मुंबई में स्थित है, इसे नवा शेवा पोर्ट भी कहते हैं, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट का मतलब क्या है, कि सबसे बड़ा ऐसा पोर्ट है जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह कंटेनर्स ले जाए जाते हैं। कंटेनर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े डब्बे हैं जिसमें सामान इधर से उधर जाएगा, तो ये कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट करता है, फिर जहाँ पे वो पहुँचा वो लोग फिर जो है उस कंटेनर में सामान डाल के इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हुई थी 1989 में, एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ कोचीन पोर्ट, फोर्थ पोर्ट हम पढ़ रहे हैं कोचीन पोर्ट। कोचीन नाम से आपको लग रहा होगा केरला में है, हाईली ग्रोइंग पोर्ट्स ऑन अरेबियन सी, अरेबियन सी पे जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है ना इस टाइम पे, वो कोचीन पोर्ट ही है, ठीक है। इट लाइज बिटवीन टू आइलैंड्स, एक हो गया विलिंगडन, एक हो गया वलरपदम, दो आइलैंड्स के बीच में ये लोकेटेड है, ठीक है। तो ये हमने चार पोर्ट्स पढ़ लिए जो वेस्टर्न कोस्ट में हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, नाउ दिस इज़ द लास्ट पेज, वीडियो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट ही है, तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, नहीं बनाए हैं तो भी मुझे बताएं। तो हम पढ़ रहे थे वेस्टर्न कोस्ट पे जो भी पोर्ट्स हैं, फिफ्थ है हमारा मैंगलोर पोर्ट। इंदिरा गांधी जो हमारी पीएम रही है इंडिया की, उन्होंने इनॉग्रेट किया था 1974 में, इसको पेनम्बूर पोर्ट भी कहते हैं, और मैंगलोर पोर्ट जो है कर्नाटका में स्थित है। वैसे ही नेक्स्ट आता है मर्मगांव पोर्ट, गोवा में है, मेजर पोर्ट बना 1963 में, उससे पहले तक ये मेजर पोर्ट डिज़ाइन नहीं था, अब इसको डेजिग्नेशन मिल गई है मेजर पोर्ट की। अब देखिए आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, हमने शुरू में बात की कि माइनर पोर्ट्स होते हैं, मेजर पोर्ट्स होते हैं और इंटरमीडिएट पोर्ट्स होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि जो मेजर पोर्ट है वो टोटल 13 हैं, फिर आपने ध्यान दिया होगा हमने ईस्टर्न कोस्ट पे 6 पढ़े, वेस्टर्न कोस्ट पे 6 पढ़े, हो गए 12, तो 13वां कहाँ गया। अब 13th यहाँ पे आता है, 13th मेजर पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है इसका नाम, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर आपको पता है क्या है, अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, अंडमान क्या है, एक आइलैंड भी है और यूटी भी है, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल भी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है, बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। इसके बारे में और कुछ खास नहीं है, ठीक है, कुछ खास चीज़ें होती तो मैंने यहाँ इनकॉर्पोरेट कर देनी थी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसी के साथ एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, जो भी नेशनल मूवमेंट्स हैं जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल है, स्वदेशी मूवमेंट है, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग है, इन सब के हैंड रिटन नोट्स की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। साथ में जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप की इंटरनेशनल लेवल पे, तो UNO होगी जैसे, तो उनके भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स, पॉलिटी के नोट्स मैंने हैंड रिटन बनाए हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से एंड तक, तो आप चाहें तो इन तीनों की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ से आप लिंक जो है आपका उस पर क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं और अपनी स्टडीज़ में उन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। फाइन, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता ही है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।